बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल प्रिटी गुड। वेल, यू आर वाचिंग नोमी एडिट्स, अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिक एजुकेशनल मटेरियल। प्लीज़ ओपन अ फॉक्सन सीरीज इंग्लिश क्लास फोर्थ, बुक पेज 109, यूनिट 12। टुडे आवर टॉपिक इज डे एट द बीच। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। बीच, साहिल। ड्रेस्ड अप, तैयार हुए। एडल्ट्स, जवान। एक्साइटेड, पुरजोश। स्मूथ, हमवार। मार्वलस, नादर, अजीब, अनोखे। क्रूज शिप्स, सफरी जहाज। सर्व्ड, पेश किया। बेक्ड, भुने हुए। बिलोंगिंग्स, साजो सामान। एंड नाउ ट्रांसलेशन इन उर्दू। डे एट द बीच, साहिल समंदर पर दिन। इट वॉज सैटरडे। Our family and aunt planned a day at the beach. ये हफ्ते का दिन था। हमारे ख़ानदान और खाला ने साहिल समंदर पर एक दिन गुजारने का प्रोग्राम बनाया। After having our breakfast, my brother and I quickly took showers and dressed up. नाश्ता करने के बाद मेरे भाई और मैं नहाए और कपड़े पहनकर तैयार हो गए। Beep, beep, beep. I heard my aunt's car horn, so we put our backpacks on our shoulders and run out. Beep, beep. मैंने अपनी खाला की कार का हॉर्न सुना, तो हमने अपने अपने कंधों पर बैग लटकाने वाले बैग लिए और बाहर भागे। We dived inside her car and started cross-checking our to-do lists with our cousins. Sand toys, picnic mats, beach umbrellas, picnic baskets with lunch and snacks, camp chairs, hats, cameras, first aid box, sunglasses and water bottles all checked. हमने उनकी कार के अंदर गोता लगाया, मतलब घुसे, और अपने कज़न्स के साथ अपने काम की फहरिस्त चेक करते हुए रेत के खिलौने, पिकनिक चटाई, छतरियाँ, स्नैक्स के साथ पिकनिक की टोकरियाँ, कैंप की कुर्सियाँ, कैमरे, फर्स्ट एड बॉक्स, धूप के चश्मे और पानी की बोतलें सब चेक किया। विद इन एन हॉर वी रीच्ड सैंडस्पिट बीच। आधे घंटे में हम सैंडस्पिट साहिल पर पहुंच गए। आफ्टर पार्किंग द कार वी हेल्ड ऑल द थिंग्स टुगेदर एंड स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स द बीच। आधे कार पार्क करने के बाद हमने सब चीज़ों को एक साथ रखा और साहिल की तरफ बढ़ने लगे। We set up the beach camp first, laid the picnic blanket and put camp chairs around. पहले हमने बीच कैंप लगाया, पिकनिक कंबल बिछाया और कैंप की कुर्सियाँ चारों तरफ रख दी। My cousin Hamza set the beach umbrella outside the camp and Ayan put the picnic basket under it. मेरे कज़न हमज़ा ने कैंप के बाहर साहिल समंदर की छतरी रखी और अयान ने पिकनिक की टोकरी उसके नीचे रखी। हमज़ा'स 3 years old brother रेहान was so excited to go into water. हमज़ा का 3 साल भाई रेहान पानी में जाकर बहुत खुश था। All the adults sat on the mat to rest while we all choose to play on the beach. सब जवान आराम करने के लिए चटाई पर बैठ गए, जबकि हम सब ने साहिल समंदर पर खेलने का इंतखाब किया। It was a cloudy day and the sun was playing hide and seek with the clouds. ये एक अबर आलूद दिन था। सूरज बादलों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। स्टैंडिंग ऑन द स्मूथ सैंडी बीच
we experienced a marvelous sight of blue sea water. हमवार रेतले साहिल पर खड़े होकर हमने नीले समंदरी पानी का शानदार नज़ारा किया. Flocks of seabirds flew here and there, catching fish from the sea. समंदरी परिंदों के झुंड इधर उधर उड़ते रहे, समंदर से मछलियां पकड़ते रहे. Cruise ships were passing by the lighthouse. क्रूज समुद्री जहाज लाइट हाउस के पास से गुजर रहे थे. We stood in sea water and enjoyed the waves passing through our feet. हम समुद्री पानी में खड़े रहे और अपने कदमों के पास से गुजरती लहरों से लुत्फ़अंदोज होते रहे. After that, we collected an incredible collections of seashells from the beach. इसके बाद हमने समुद्री घोंघों का एक अनोखा मजमुआ इकट्ठा किया. Soon lunch was ready. जल्द ही दोपहर का खाना तैयार हो गया. My mother and aunt served baked chicken, club sandwiches, French fries, Russian salad and mint margaritas. मेरी अम्मी और खाला ने सेंका हुआ मुर्ग, क्लब सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, रशियन सलाद और पुदीना मार्गरीटा पेश किया. Every food item was scrumptious and finger liking good. खाने की हर चीज लजीज और उंगलियां चाटने वाली थी. We enjoyed every bite of it. हमने हर एक नवाले का लुत्फ उठाया. After having our lunch, we went back to the sea. दोपहर का खाना खाने के बाद हम वापस समंदर पर आए. We played with sand toys and built huge sand castles. हमने रेत के खिलौनों से खेला और रेत के किले बनाए. After the completion of sand castles, we took pictures standing by them. रेत के किले मुकम्मल करने के बाद हमने उनके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाई. But oops! लेकिन ओफो, a huge wave came and destroyed our castles. एक बड़ी लहर आई और हमारे रेत के किलों को तबाह कर दिया. We all burst into laughter. हम सब हंस पड़े. At 5 o'clock in the evening, we packed up our belongings and put them back into the car. शाम के 5 बजे हमने अपना साजो सामान पैक किया और कार में वापस रखा. As I sat in the car, जैसे ही मैं कार में बैठा, I peeped out of the window to have a look at the blue sea. मैंने नीले समंदर को देखने के लिए खिड़की से बाहर झांका. The sun was drawing in the sea, leaving behind red and orange flames in the sky. सूरज आसमान पर सुर्ख और नारंगी शोलों को पीछे छोड़कर समंदर में डूब रहा था. I captured this beauty with my camera. मैंने इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर लिया. We were back home at 7 o'clock in the evening. शाम के 7 बजे हम वापस घर पहुंच गए. Thanks for watching.